हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने ये हाथ से बना हुआ डिज़ाइन लेके आई हूँ, क्योंकि मैंने ये डिज़ाइन अपनी बेटिंग मशीन में बनाना आप लोगों को बताया है। तो मुझे उसी डिज़ाइन पे कमेंट आया था कि मैम, हम लोगों के पास निटिंग मशीन नहीं है, क्या आप हमें हाथ से ये डिज़ाइन बनाना सिखाओगे। तो मुझे लगा कि ये डिज़ाइन बहुत लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो मैंने इसे हाथ से बनाकर तैयार किया। तो आप देख सकते हैं ये हाथ से भी कितना सुंदर लग रहा है। तो आओ हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने अपने फंदे डाल लिए हैं और हमें अपना जिस थ्रेड से हमें डिज़ाइन बनाना है वो थ्रेड ले लेना है और हम इस पर कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं, और दो फंदे हम इसके उतार लेंगे। फिर उसके बाद, जैसे मैंने आपको मशीन में बताया था, दो फंदे मैंने बना के दो हम बिना बुने हुए ही उतार लेंगे। फिर हम छह फंदे बुन लेंगे, दो तीन चार पाँच और छः, छः हमने बुन के उतार लिए हैं और दो फंदे हम बिना बुने हुए ही उतार लेंगे। फिर हमने छः फंदे बुन लेने हैं और आपको फंदे अपने ढीले ही रखने हैं। ये देखिए, और ये वाले फंदे हम दो ऐसे ही उतार लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। ये देखिए, हमने अपने फंदे पूरे बुन लिए हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो हमने बुने हुए फंदे हैं हम उन्हें बुनते जाएंगे। ये देखिए, ये छह फंदे और ये दो हम हर सिलाई में बिना बुने हुए ही उतारेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं समझ सकती हूँ सबके पास निटिंग मशीन नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगा। जिन बहनों के पास निटिंग मशीन नहीं है, ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। ये देखिए, बस हमने अपने छह फंदे बुन के दो फंदे बिना बुने हुए ही उतारने हैं। और हमने ये प्रोसेस कब तक करनी है, जब तक हमारे चार सिलाइयाँ हम अपनी नहीं लगा लेते हैं। ये देखिए, फिर हम बिना बुने हुए उतारेंगे। ये देखिए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सरल होता है और बन के बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, ये हम बिना बुने हुए उतार लेंगे। ये देखिए, और अब हम फिर एक सिलाई इधर के लिए अपनी उसी पैटर्न को करते हुए बना लेंगे। छह फंदे हम अपने बुन लेंगे और दो फंदे हम अपने बिना बुने हुए उतारेंगे। आप खुद से ही ट्राई करोगे तो बहुत आराम से ये बन जाएगा। ये देखिए, दो फंदे बिना बुने हुए उतारने हैं और छह फंदे अपने जो हमें दूसरा ऊन लगाना है उससे हम बुन लेंगे। देखिए, और अब देखिए, अब हमने क्या करना है, हमने अपने चार सिलाइयाँ लगा ली है, आप देख सकते हैं। अब हमने ये सारे फंदे बुन लेने हैं। देखिए,
हम अपने वाइट वाले ऊन से, जो हमारा ये वाइट वाला थ्रेड है, इससे हम अपने सारे फंदे हम बुन लेंगे, जो हमने फंदे छोड़े हैं और जो हमने बनाए हुए हैं हम सारे फंदे बुन लेंगे। देखो सारे फंदे बनाएंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये देखिए, ये हमने एक सिलाई, एक रो हमने कंप्लीट कर ली है और हमें उल्टी साइड भी पूरे फंदे इसी वाइट थ्रेड से बुनने हैं। मैं आपको बुन के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं मैंने अपनी उल्टी साइड की रो भी कंप्लीट कर ली है और अब हमने वही करना जो हमने पहले किया था। पहले हमने दो फंदे छोड़े थे, अब हम छह फंदे इस साइड से बुनेंगे। ये देखिए छह फंदे बुनेंगे और दो फंदे हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर छह फंदे हम बुनकर निकालेंगे, दो फंदे हम बिना बुने हुए उतारेंगे। यही प्रोसेस आपको अपने पैटर्न में करते जाना है। आपके जितने भी फंदे हो, एक बार में आप दो फंदे बुन के अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे, एक बार आप छह फंदे बुन के अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए अब हमने इस वाली सिलाई में क्या करना है, ये दो फंदे हमने बिना बुने हुए बुनना है और ये वाले फंदे हमने बुनकर तीन सिलाइयाँ लगा लेनी है। मैं आपको ये तीन सिलाइयाँ बुन के दिखाती हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ये देखिए मैंने चार रो बना ली है और ये दो फंदे बिना बुने हुए हमने ऊपर को भी ले जाने हैं। अब हम अपने वाइट वाले थ्रेड से सारे फंदों को बुन लेंगे। इस वाले में हमें कोई सा भी फंदा नहीं छोड़ना है। देखिए हमें सबको बुन लेना है। ये देखिए वाइट वाले फंदों को भी हमने बुन लेना है और दो सिलाइयाँ लगा लेनी है। और अब आप देख सकते हैं मैंने अपना प्लेन वाली सिलाइयाँ भी बुन ली है। तो ये डिज़ाइन हमारा बनके ऐसा लगेगा, आप देख सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल ये डिज़ाइन सेम लग रहा है, तो आप ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए ताकि मैं आप लोगों के कमेंट के हिसाब से वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू।